नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्रीराम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा, नाइट लैंडिंग की सुविधा। इटली की पीएम मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली, शेयर कर लिखा अच्छे दोस्त के साथ। काउंटिंग से एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले, एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। 103 सीटों पर घूमा भाजपा, 150 सीटें जीत रही। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचौंग तूफान, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेंगी, तेज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 15 से ज्यादा उड़ानों को किया डायवर्ट। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौसा पहुंची, कार्यकर्ताओं से जिले का राजनीतिक फीडबैक लिया। मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकेगा, कोई भी रिकॉर्डिंग उपकरण मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। कोटा में कोचिंग व हॉस्टल में सुसाइड रोकने के लिए कलेक्टर ने संचालकों को दिए गाइडलाइन की शत प्रतिशत पालना के निर्देश। गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर लगा फरियादियों का तांता, न्याय की आस में राज्य के कोने कोने से पहुंचे लोग। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। दीपिका पादुकोण बनी हेयर स्टाइलिस्ट, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाल बनाती नजर आई। एनिमल ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ कमाए, शाहरुख की पठान को मिले थे 106 करोड़। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम विश्व कप के लिए रवाना। आईओसी अध्यक्ष बाक ने पेरिस 2024 गांव और तैयारी कार्य को सराहा। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। बाजार चढ़ने के साथ बिकवाली कर सकता है एफपीआई। अधिग्रहण के बाद ब्रॉडकॉम करीब 1300 वीएमवेयर कर्मचारियों की छंटनी करेगा। आइए अब बताते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। रणनीतिकारों को डर है कि मतदाताओं को लुभाने में विफल रह सकते हैं ऋषि सुनक। यूक्रेन युद्ध के बीच नए राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ रहा रूस, 5वें कार्यकाल की तैयारी में पुतिन। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।